इस सृष्टि में हर कोई मानव समाज या तो लक्ष्य राशि का कोई भी जीव धारी शरीरधारी जीव कोई भी जीव को मरण पसंद नहीं है, मृत्यु पसंद नहीं है। मृत्यु की बात आती है तो हर कोई जीव के अंदर एक मौत का खौफ पैदा हो जाता है, मौत का डर पैदा हो जाता है, भयभीत हो जाता है, अंदर से हिल जाता है। इतना बड़ा एक खौफनाक नाम है मृत्यु। कोई भी मानव मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं कि मेरा मरण ना होवे, क्या मुझे मरना पड़ेगा? हर कोई जीव की, हर कोई मानव की ये सोच जरूर होती है, क्योंकि ये स्थूल जगत कोई छोड़ना चाहते नहीं है। और बात को चलती रहती है सत्संगों में, कथाओं में, पुस्तकों में कि हमें मृत्यु से छुटकारा पाना है। क्या सही में मृत्यु से छुटकारा मिल सकेगा? ये बात थोड़ी हम मानवों को थोड़ी यहाँ समझने की ज़रूरत है, थोड़ी समझ से पर ये बात लगती है मुझे, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। शरीर धारण किया तो कर्मों की गति के अधीन उनकी सीमित समय मर्यादा में, सीमित समय में उनको ये शरीर का विसर्जन होता है ही है। शरीर छोड़ना ही पड़ता है, उनका मरना ही पड़ेगा, उनका मृत्यु चौकस है। कब है, कहाँ है, कैसे है वो कहीं नहीं कह सकेगा, वो हमारे वश की बात नहीं है कहना। इसलिए सभी मानव मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ये मृत्यु से छुटकारा पाने की बात कितनी उचित है ये थोड़ी हमें समझने की जरूरत है। कोई भी योनि के शरीर धारण करता है कोई भी जीव, तो वो शरीर का विसर्जन कुदरत ने फर्जियात किया है। वो अपने कर्म की गति के अधीन हमारा शरीर का समय सीमा क्षेत्र निर्धारित है कर्मों की गति के अधीन। इसलिए कोई भी जीव कर्म के गति के अधीन जीव जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी है, निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मृत्यु से छुटकारा पाने की जो बात है वो थोड़ा सोच समझने की जरूरत है। मृत्यु से छुटकारा पाने की बात करनी चाहिए कि या जन्म से छुटकारा लेने की बात करनी चाहिए? हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित ही है, इसलिए मृत्यु से छुटकारा पाने की बात नहीं करनी चाहिए हमें। फिर से हमारा जन्म ना होवे, जन्म से छुटकारा की बात हमें समझदारी से समझनी चाहिए। जन्म फिर ना होवे तो मृत्यु होने वाली ही नहीं है, जन्म होवे तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए जन्म से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा हमें वर्तमान को देखना पड़ेगा कि वर्तमान में हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। अगर वर्तमान के ऊपर हम थोड़ी नज़र डालेंगे, आंतरिक मन से सोचेंगे कि हमारी कर्म की गति ने जीवन में कैसी है, किस तरीके का हम कर्म कर रहे हैं,
जो कर्म हम सत्कर्मों की तरफ हम ज़्यादातर करेंगे तो शायद हमको लक्ष्य राशि में से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जन्म से तो मुक्ति मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म की गति ही ऐसी है कि आपके खाते में, हमारे खाते में दोनों पल्लू यानी कि पाप का और पुण्य का दोनों पल्लू जब समान होगा तभी हम मृत्यु से छुटकारा पाएंगे। इसके पहले मृत्यु से छुटकारा पाना संभव नहीं है। जन्म तो लेना ही पड़ेगा कर्म का भोगोटा के लिए। फिर हमारा कर्म कैसा है इसके अधीन हमारा जन्म होगा जरूर, लेकिन कर्म हमारे खाते में है तो उसका अच्छा भोगोटा के लिए भी हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर खराब कर्म हमारे खाते में है तो इसका खराब भोगोटा लेने के लिए, कष्टदायक जीवन जीने के लिए ही हमें जन्म तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सत्कर्म हम करेंगे ज़्यादातर 60-70% हम सत्कर्मों की तरफ जीवन जिएंगे वर्तमान को देखकर, तो शायद हमारी लक्ष्य राशि जरूर छूटेंगे और फरी अवतार मानव अवतार ही होगा, मानव योनि में ही होगा। और इस अवतार से, वर्तमान के अवतार से अगला अवतार मानव योनि का हमारा, ये अवतार से 10 गुना 15 गुना 20 गुना ज़्यादा अच्छा होगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि ये कर्म की गति यहाँ काम कर रही है। तो यही कारण से हमें मृत्यु के छुटकारा की बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सोचनी चाहिए जन्म से किस तरीके के हमारा छुटकारा मिले ये हमें सोचना चाहिए। जन्म से छुटकारा तो कोई नहीं दे सकेगा, लेकिन लक्ष्य राशि के छुटकारा से कोई अलग पुरुष, कोई ओलिया पुरुष को जो आपके जीवन में कोई मिल जावे, उनके साथ आत्मी संबंध हो जावे आपका, तो शायद आपका लक्ष्य राशि छोड़ा सकते हैं वो, लेकिन जन्म से छुटकारा तो नहीं छोड़ा पाएंगे। जन्म से छुटकारा तो आज दिन लगभग कोई नहीं छूट पाया है, सिवाय सिद्ध पुरुष हो जो आत्माओं ने सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर लिया है, स्थूल जगत में स्थूल शरीर में रहते होते भी ऐसे आत्माओं का ही उनकी मन की इच्छा से वो शरीर छोड़ सकते हैं और मन की इच्छा से वो जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनके मन की इच्छा से वहां प्रकृति दूर रहती है। जब हम जन्म से छुटकारा पाने की बात करेंगे, वर्तमान को देखेंगे, तभी हमें लक्ष्य राशि में से हम छूट सकते हैं। इसके बिना लक्ष्य राशि में से छूटना, जन्म मरण के चक्कर में से छूटना शक्य नहीं है, क्योंकि ये पंच तत्वों का शरीर अजर अमर नहीं है, सिर्फ उनके गुणों से, उनके कर्मों से मानव का नाम अजर अमर होता है। मरण मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, जरण जन्म आपके हाथ में है, मृत्यु तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म आपके हाथ में जरूर है वर्तमान का सत्कर्मों के अधीन। जन्म होता है तो मरण है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। कर्म से ही लक्ष्य राशि का छुटकारा मिल सकेगा। आपकी इच्छा है तो उस वासना छूट जाएगी, कामना इच्छा वासना छूट जाए तो आप लक्ष्य राशि में से जरूर छूट सकोगे। जन्म यह सुनाव है और मरण
उसका उपाय, उसका परिणाम है। सुख है वो सुनाव है, दुख उसी का परिणाम होता है। मित्र बनाया ये सुनाव है, दुश्मनी उसका परिणाम होता है। इसलिए हर कोई मानव को सिर्फ जन्म से कैसे लक्ष्य राशि में से कैसे छूट सके, यही सोच हमारी वर्तमान में होनी चाहिए। इच्छा जो है वो चुनाव है, वासना जो है वो उसका परिणाम है। इच्छा होगी तो ही वासना जागृत हो सकती है, और वासना जागृत रहने से ही फिर से लक्ष्य राशि की क्रिया में शामिल होता रहते हैं। इसलिए हर कोई मानव को जन्म मरण के छुटकारे की बात छोड़कर उनके लक्ष्य राशि में से किस तरीके से छूटा जाए, यही हमारी वर्तमान की विचारधारा होनी चाहिए। नहीं तो ये लक्ष्य राशि में से छूटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जन्म वो अपना चुनाव है, क्योंकि हमने कर्म किया है तो जन्म नक्की है, इसलिए चुनाव हो गया हमारा। मरण जो है वो हमारा चुनाव का परिणाम है। सवाल जो होता है कोई भी वो उनका चुनाव है, जवाब जो होता है वो उसका परिणाम है। इसलिए हर कोई मानव को लक्ष्य राशि में से कैसे छूटा सके, हमारा वर्तमान जीवन किस तरीके के जिया जाए, कौन सा आधार लेकर जिया जाए, ये हमारी सोच जो रहेगी तो हमारी लक्ष्य राशि जरूर छूटेगी, नहीं तो लक्ष्य राशि में से छूटना सामान्य बात नहीं है। लक्ष्य राशि में से वही छूट सका है जो मानव ये मानव मशीन का उपयोग करके योग साधन का सहारा लेकर इस शरीर में हर प्रकार की शक्ति, हर प्रकार की ऊर्जा को एक स्थान पर एकत्रित करके जो दसवें द्वार से बाहर निकल जाएंगे, वही मानव जन्म मरण से छूट सकता है। क्योंकि वो मृत्यु भी उनकी इच्छा से भी अधीन ही होगी और उनका जन्म भी उनके इच्छा के अधीन ही होगा। ऐसा मानव योगी पुरुषों को ही हम भगवान का पद देकर पूछते हैं। बाकी जन्म मरण से तो कोई छुटकारा पा ही नहीं सका है, कोई छुटकारा नहीं पा सका है। लक्ष्य राशि में से छुटकारा हमको जरूर मिलता है।